लब्धिसार अर्थ संदृष्टि अधिकार लेक्चर नंबर 42 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो सारस्य शपणासारामीश प्रकाशनं पदं स्तौमि नेमिन्दो माधव प्रभो। यह श्री शपणासार गर्भित लब्धिसार का अर्थ संदृष्टि अधिकार है, जिसे पंडित टोडरमल जी ने ढूंढारी भाषा में लिखा हुआ है। उसी का हिंदी अनुवाद देखते हुए अभी हम यहाँ पृष्ठ संख्या 633 पर आ गए, 633। यहाँ अपनी अभी बात सूक्ष्म पुष्टि कारक संबंधी चल रही है। सूक्ष्म पुष्टि बनाने का विधान ये कब होता है? लोक की द्वितीय संग्रह पुष्टि का जहाँ वेदक है, उदय चल रहा है, वहीं पर सूक्ष्म पुष्टि करने का कार्य चलता है। किसमें से होता है? लोक की द्वितीय संग्रह पुष्टि में से भी और तृतीय संग्रह पुष्टि में से। बहुभाग तो द्वितीय में से ही चला जाता है और तृतीय में से भी उसके अपना जो कुछ आकर्षण भागार से भाग लेकर उसका भी एक एक भाग चला जाता है। तो पहले समय में जितनी पुष्टि होती है, फिर दूसरे समय में और नवीन पुष्टि होती है, पूर्व समय में जितनी हुई उसके संख्यात्वे भाग को, जैसे हमने बादल पुष्टि में देखा था, जैसे पूर्व पूर्व स्पर्धक में देखा था कि कैसे वो नीचे आता है, फिर वो नीचे भी दिया जाता है, बीच में भी दिया जाता है, साइड में भी दिया जाता है। यहाँ पुष्टि में एक विशेषता है कि ये अधस्तन शीर्ष विशेष, पुष्टि संबंधी अधस्तन शीर्ष विशेष दिया जाएगा। यानी पहले समय में जितनी पुष्टि बनी उसको समान रूप से करने के लिए अधस्तन शीर्ष विशेष दिया जाएगा। फिर उसके बाद नवीन अपूर्व पुष्टि भी बनेगी। कहाँ बनती है? नीचे भी बनती है और इन बिटवीन भी बनती है। तो नीचे निपजी हुई और इन बिटवीन निपजी हुई। तो नीचे जो निपजती है वो कम है और बीच बीच में निपजती वो ज्यादा। ये हमने कल देखा था 633 पेज पर। देखो दूसरे लाइन में लिखा था अधस्तन शीर्ष विशेष द्रव्य, उसकी तो अपने चर्चा हुई थी। उसके बाद ये प्रथम समय में ही दिया जाएगा अधस्तन। ना ना ना, प्रथम समय में तो पुष्टि बनी, द्वितीय समय में नवीन पुष्टि बनी। तो पूर्व समय में बनी हुई पुष्टियों में अधस्तन शेष विशेष, यानी वो चय मिलाकर हमने समापन टीका कर। और जघन्य पुष्टि के प्रमाण में नीचे और नवीन पुष्टि बनी, उसका चाहे तो बाद में हम मिलाएंगे उसमें, तो उसको कहेंगे नीचे निपजी हुई अपूर्व पुष्टि संबंधी समान खंड। देखो ये 633 पेज में ऊपर से 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइन में लिखा है, इससे गुणा करने पर नीचे निपजी हुई अपूर्व पुष्टि संबंधी समान खंड द्रव्य होता है। एक लाइन छोड़ उसी के नीचे की लाइन में बीच में निपजी हुई अपूर्व पुष्टि संबंधी समान खंड द्रव्य होता है। यहाँ क्या कहना चाहते हैं? ये अभी पुष्टि की बात चल रही है, वो बादल पुष्टि वगैरह सब संग्रह पुष्टि अभी वो तो उसकी बात नहीं हो रही है। अभी पहले समय में सूक्ष्म पुष्टि बनी उसकी रचना तो ऐसे दिखाएंगे हम, जैसे पहले हमने संग्रह पुष्टि को दिखा था। ये पहले समय में इतनी पुष्टि बनी सूक्ष्म पुष्टि, दूसरे समय में क्या होगा? तो यहाँ जो द्रव्य दिया गया यहाँ इस तरह से,
इसको कहेंगे अधस्तन शीर्ष विशेष त्रोड़े। नीचे निपजीव अब ये जो जितनी पुष्टि है नीचे की उसके प्रमाण में नीचे निपजीव में पुष्टि उसको कहेंगे नीचे और इन बिटवीन यहाँ पर भी बनेगी कहीं कहीं तो ये बीच में उपजीव और ये नीचे उपजीव तो इतने समान इसका जो प्रमाण है यहाँ से लेकर वो प्रमाण कितना है तो देखो जघन्य कृष्टि का द्रव्य ऊपर से पांचवी लाइन में लिखा है वो 12 डिवाइडेड बाय 2400 4 डिवाइडेड बाय कर मल्टीप्लाइड बाय 553 ये भी हमने निकाला था कैसे एक कृष्टि का द्रव्य इतना है यदि हम उसके नीचे निपजी हुए कृष्टियों से गुणा करेंगे तो नीचे की कितनी है 4 अपॉन तो इतनी टोटल यहाँ बनी थी उसको दो बार असंख्यात से भाग दे इतनी पुष्टि तो नीचे निपजी बीच में उससे असंख्यात गुणा निपजी वो कितनी है 4 अपॉन ख एक बार असंख्यात यदि इस पुष्टि के प्रमाण को इससे गुणा करेंगे तो नीचे का समान खंड द्रव्य आएगा इस पुष्टि के द्रव्य को इससे गुणा करेंगे तो बीच में जितनी बनी है उसका समान खंड द्रव्य मिलेगा ये हमने तीन प्रकार का द्रव्य देखा अधस्तन पुष्टि का द्रव्य नीचे निपजी हुई का समान खंड द्रव्य और बीच में निपजी हुई का समान खंड द्रव्य ये तीन बातें हुई अभी तक यहाँ तक हम कल पढ़े थे उसके नीचे की लाइन यहाँ नया पैराग्राफ शुरू हो गया प्रथम द्वितीय संबंधी समय संबंधी सूक्ष्म पुष्टियों के द्रव्य को मिलाकर उसको प्रथम द्वितीय समय संबंधी सर्व सूक्ष्म पुष्टि प्रमाण मात्र गच्छ का और एक कम गच्छ के आधे से ही दो गुणहानि का भाग देने पर एक उभय विशेष होता है यानी जिसको हम उभय द्रव्य विशेष द्रव्य कहने जा रहे हैं बाद में यानी क्षय होता है कौन सा क्षय अभी ये नई पुष्टि बनेगी ये यहाँ पर यहाँ तक बनेगी और क्षय घटते क्रम से वहां तक चला जाएगा जिसको हम उभय द्रव्य का क्षय कहेंगे इसको इसका नाम है उभय द्रव्य विशेष तो ये दोनों में मिलकर होता है और वो चय घटते क्रम से वहां दिया जाता है अभी उसका प्रमाण यहाँ बता रहे कि पहले समय में 4 अपॉन ख बने द्वितीय समय में उसका असंख्यात भाग प्रमाण बने दोनों मिलकर साधिक 4 अपॉन ख बनी पहले दूसरे समय की मिलकर साधिक 4 अपॉन ख हो गए तो चय कैसे निकालते हमेशा पहले तो दोनों का द्रव्य मिला है जितना ये उभय द्रव्य विशेष मिलकर देने वाले दोनों का द्रव्य डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पुष्टि यानी उसके गच्छ से भाग देंगे गच्छ में दोनों मिलकर गच्छ हो जाएगा साधिक 4 अपॉन क गच्छ का भाग देने पर मध्य धन आया यानी एवरेज मिला फिर उसको क्या करना है एक कम गच्छ के आधे से ही दो गुना हानि का भाग देना यानी 16 माइनस एक कम गच्छ का आधा डिवीजन में हमें चय मिल ये उभय द्रव्य का चय एक उभय विशेष होता है लिखा ना उभय विशेष यानी चय उसकी संदृष्टि वी देखो ये वी संदृष्टि बहुत जगह लिखेंगे जहां का जो चय है उसके लिए वी लिखेंगे परंतु उस वी की वैल्यू उस विषय में जो चल रहा है उसकी बात है तो हमने उसके लघु संदृष्टि वी लिख दी वी यानी चय कहाँ पढ़ रहे हैं दूसरे पैराग्राफ का चौथी लाइन रुमा कहाँ पढ़ रहे हैं आप हाँ हाँ उसकी संदृष्टि ऐसी वी उसको यानी उस चय को प्रथम समय संबंधी पुष्टि प्रमाण में द्वितीय समय संबंधी पुष्टि मिलाने के लिए अधिक की संदृष्टि करने पर गच्छ ऐसा साधिक 4 अपॉन ख यानी पहले समय में 4 अपॉन ख और दूसरे समय में 4 अपॉन ख संख्या उसका संख्यात्व भाग मिलाने पर
साधिक चार पौन खर हो जाता है, ये दोनों का मिलकर गच्छ हो जाता है, उससे और एक अधिक करके उससे गुणा करके दो एक का भाग देकर संकलन धन मात्र वह विशेष द्रव्य होता है। ये क्या कहना चाहते हैं कि ये चय धन निकाल रहे हैं, चय के लिए भी लिखा हमारा हमेशा का फॉर्मूला। जैसे हमें छ का संकलन धन निकालना है तो क्या करते हैं, छ मल्टीप्लाई बाय छ प्लस वन डिवाइडेड बाय टू और वन, वो वन को भी हम नहीं गिनते हैं तो डिवाइडेड बाय टू। अभी हमारा चय है वी और अपना यहाँ गच्छ कितना है, गच्छ का संकलन धन निकालना तो साधिक चार अपॉन ख अपना गच्छ है। तो गच्छ से देखो एक अधिक करके उससे गुणा करके दो एक का भाग देना, यानी गच्छ से और गच्छ प्लस वन और दो, ये संकलन धन हमें लेना। ये उभय द्रव्य संबंधी जो चय है उसका संकलन धन, जिसको हम कहते हैं उभय द्रव्य विशेष द्रव्य, पूरा यहाँ से यहाँ तक उद्धव दिया जाएगा। पहले हमने अगस्त अशेष यहाँ का निकाला दोनों बाजू का, ये नीचे की निपजी हुई पुष्टि, बीच में निपजी हुई पुष्टि और वो जो उभय द्रव्य विशेष दोनों में मिलकर जो चय घटते क्रम से दिया उसका पूरा द्रव्य, इसलिए उसका संकलन किया। ऊपर से शुरू हुआ था एक चय दो चय तीन चय, यहाँ जितनी पुष्टियाँ हैं उतने चय तक आ गए, इन सब की टोटल की हमने, तो इसको कहेंगे उभय द्रव्य विशेष द्रव्य या उभय द्रव्य विशेष द्रव्य ऐसा भी कहते हैं। इन चार प्रकार का द्रव्य घटाने के लिए दूसरे समय में जो सूक्ष्म पुष्टि बनी ना, कितना द्रव्य आया सूक्ष्म पुष्टि के लिए, तो असंख्यात गुणा द्रव्य आया, पुष्टि कितनी बनी असंख्यात वे भाग प्रमाण बनी, परंतु ये द्रव्य नीचे भी दिया बीच में भी नवीन पुष्टि बनी और पूर्व पुष्टियों में भी पार्श्व साइड से और द्रव्य दिए, ये दूसरे समय का द्रव्य आया। तो चार प्रकार का द्रव्य कौन कौन सा दिया हमने, अदस संशेष विशेष, नीचे की अपूर्व पुष्टि, बीच की अपूर्व पुष्टि और उभय द्रव्य, ये चार प्रकार का द्रव्य घटाने के लिए सर्व द्रव्य के आगे किंचित कम की संदृष्टि करके उसको सर्व पूर्व अपूर्व पुष्टि प्रमाण का भाग देने पर एक खंड होता है। ये अभी हम मध्यम खंड निकालने जा रहे हैं, सब में इक्वल देना है तो एक जितना अभी सब में मिलकर द्रव्य देना है उसको सभी पुष्टियों के प्रमाण से भाग देंगे, तो एक एक पुष्टि संबंधी द्रव्य मिला उसी को उसी से गुणा करेंगे तो पूरा मध्यम खंड द्रव्य मिला, जो चार माइनस करने पर आता है उतना। तो कहते हैं साधिक चार पौन ख का भाग देने पर एक खंड होता है और उसको उसी गच्छ से गुणा करने पर सर्व मध्यम खंड द्रव्य होता है, टोटल द्रव्य। ऐसे द्वितीय समय में, ये अभी हम जो पढ़ रहे थे पूरा, द्वितीय समय में जो सूक्ष्म पुष्टि बनी उस संबंधी द्रव्य में पांच प्रकार के द्रव्य कहे उनकी संदृष्टि ऐसी, जो हमने पढ़ा है उसी को फिर यहाँ टेबल में लिख रहे। ये सूक्ष्म पुष्टि संबंधी द्रव्य है, यानी हर एक के आगे वहाँ द्रव्य लिखे तो अपने समझने के लिए। पांच मतलब वो मध्यम खंड ऐड हुआ, हाँ ऐड हुआ, मतलब एक प्रकार का द्रव्य, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा उभय द्रव्य और पांचवा मध्यम खंड। तो दूसरे समय में जितना सूक्ष्म पुष्टि होने के लिए द्रव्य नीचे आया है अपकर्षण होकर, अपकर्षण होने ना अनुभव रखना, उतना द्रव्य का ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो यही पांच प्रकार के द्रव्य यहाँ लिखे हैं, नाम लिखा और उसके आगे द्रव्य लिखा। अधसन शीर्ष कहने से अधसन शीर्ष विशेष द्रव्य, उसका पूरा नाम है अधसन शीर्ष विशेष द्रव्य। उन्होंने एक ही बात लिख दिया पांच प्रकार का द्रव्य, इसलिए हरे के आगे द्रव्य द्रव्य शब्द उन्होंने नहीं डाला था, इसलिए मैंने भी नहीं डाला है, परंतु हम अपने समझने के लिए लिखेंगे वहाँ अधसन शीर्ष विशेष द्रव्य, बहुत जगह अपने लिख सकते हैं। तो वो कितना है वी, यानी वो चेक, अभी यहाँ भी वी लिखा और अभी उभय में भी हम वी लिखते,
यहाँ की वी की वैल्यू अलग, वहाँ जो चय है वो कैसे कैलकुलेट करना हमें देखना। तो यहाँ का जो चय है उसका चय धन निकालना, तो उसका चय धन कैसे निकालेंगे, तो यहाँ का जो गच्छ था चारों पॉइंट ख था और वो एक माइनस किया था उसमें, क्योंकि पहली पुष्टि में तो चय नहीं दिया जाता आदर्शन शेष विशेष का, दूसरी से दिया जाएगा, इसलिए गच्छ एक माइनस चार अपॉन ख था और फिर उसके आगे की संख्या चार अपॉन ख, तो गच्छ और गच्छ प्लस वन से गुणा करेंगे और डिवाइडेड बाई टू, यही बात यहाँ लिखी, गच्छ चार अपॉन एक, एक कम चार अपॉन ख गच्छ, फिर उसको चार अपॉन ख डिवाइडेड बाई टू से गुणा, ये अदर्शन शीर्ष और विशेष से गुणा किया, अदर्शन शीर्ष विशेष द्रव्यमान। अब अदस्तन अपूर्व पुष्टि समान खंड द्रव्य, वहाँ द्रव्य लिखो नहीं लिखे तो भी ये पांच प्रकार के द्रव्यों की ही बात यहाँ हो रही है। अदस्तन यानी नीचे की, ये नीचे की पुष्टि संबंधी समान खंड द्रव्य कैसे निकाला, जघन्य पुष्टि का द्रव्य मल्टीप्लाइड बाय नीचे की नंबर ऑफ पुष्टि, तो हमने वो 12 इंटू 553 डिवाइडेड बाय 24 ओ और डिवाइडेड बाय चार अपॉन ख, क्या किया पहले जघन्य पुष्टि का द्रव्य कैसे निकाला, तो जितना द्रव्य पूरा पहले समय में दिया था कितना दिया, वह 12 इंटू 553 डिवाइडेड बाय 24 ओ इतना दिया था, वो कितने में विभाजित हुआ, चार अपॉन ख में विभाजित। अभी वो चयहीन से दिया था उसको गिनो मत, तो चार अपॉन ख से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ का द्रव्य मिला, एक पुष्टि संबंधी द्रव्य। अब उसको किससे गुणा करना, जो अदस्तन जितनी पुष्टि बनी उससे, तो चार अपॉन ख दोबारा संख्या से भाग, ये वहां लिख दिया। अब मध्यम अपूर्व पुष्टि समान खंड द्रव्य, मध्यम अपूर्व पुष्टि यानी बीच बीच वाली, ये मध्यम खंड की बात नहीं है, मध्यम की जगह बीच लिख, बीच वाली, ये बीच में जो मध्य में जो बनी है वो कितनी बनी है, चार अपॉन ख संख्या, तो उसी ऊपर की संख्या को 634 पर देख रहे हैं हम टेबल, वो 12553 डिवाइडेड बाय 24 ओ था, चार अपॉन ख से भाग देने पर प्रथम पुष्टि का द्रव्य मिला, उतने प्रमाण में जहाँ इतनी नंबर ऑफ पुष्टि बनी, कितनी बनी, बीच बीच में अपूर्व पुष्टि दूसरे समय में बनी इतनी बनी, उससे हम गुणा करेंगे, तो मध्यम यानी बीच में, मध्यम कहते क्या, बीच में बनी अपूर्व पुष्टि, अपूर्व क्यों कहा, क्योंकि दूसरे समय में बनी। अब उभय द्रव्य विशेष द्रव्य, द्रव्य हम इसलिए लिख रहे हैं कि टोटल की बात है यहाँ, तो अभी यहाँ जब उभय द्रव्य विशेष कहेंगे तो यहाँ का चय समझना, यहाँ का चय हमने निकाला था, कैसे निकाला कि बाकी द्रव्य माइनस करके ये जो द्रव्य यहाँ दिया गया था उसका पहले हमने चय निकाला, अब यहाँ का जो चय है अभी अभी हमने देखा ना इसको, और यहाँ का गच्छ कितना है, तो पूरा पहले समय की प्लस दूसरे समय की बनी सादिक चार अपॉन ख, उसका संकलन धन निकालने के लिए 1 प्लस सादिक चार अपॉन ख से गुणा करेंगे और डिवाइडेड बाय 2, तो हमें इसका संकलन धन मिलेगा, ये उभय द्रव्य विशेष द्रव्य टोटल हुआ। अब नीचे सबसे बाद में मध्यम खंड द्रव्य, अब ये टोटल जितना दूसरे समय में द्रव्य आकर्षित हुआ था उसमें से ऊपर के चार प्रकार के द्रव्य घटा देना, इसलिए चार माइनस की साइन है, चार बार आड़ी लाइन लिखी है 553 के आगे, चार संख्या उसमें से माइनस की और फिर मल्टीप्लाइड बाय सादिक चार अपॉन ख और डिवाइडेड बाय सादिक चार अपॉन ख, डिवाइड किया क्योंकि एक एक पृष्ठी में कितना दिया, सब में समान दिया और फिर उसी से गुणा किया। यहाँ मध्यम खंड ने एवरेज नहीं, मध्यम खंड ने अभी जो हमने एक प्रकार का द्रव्य दिया, ये दूसरा द्रव्य यहाँ दिया, तीसरा बीच बीच में दिया, चौथा उभय द्रव्य विशेष दिया, फिर भी बचा, सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो, इक्वल हुआ इसलिए डिवाइडेड बाय सादिक चार अपॉन ख और मल्टीप्लाइड बाय उसी से, क्यों, क्योंकि टोटल द्रव्य बताना था,
हम केवल वो डिवीजन भी नहीं करते और मल्टीप्लाई भी नहीं करते, बात वही है कि जितना द्रव्य दूसरे समय में आया था उसमें चार प्रकार का द्रव्य माइनस करो, इतना मध्यम खंड द्रव्य, परंतु उसमें एक एक में कितना गया वो बताने के लिए डिवीजन भी की और फिर मल्टीप्लाई किया। अभी उसको हमने निकाला नहीं है, साइड में उसको भी और निकालना पड़ेगा मध्यम खंड। ये तो यहाँ तक तो उभय द्रव्य विशेष हुआ, ये ही वाला, और जो बचा वो सारा इस तरह से सब पैरेलल लाइन, ये मध्यम खंड होगा। अब ये टेबल के नीचे की लाइन पढ़ेंगे 634 पृष्ठ पर। पुनश्च बादर पृष्ठि संबंधी तृतीय पृष्ठि में चार प्रकार संक्रमण द्रव्य और द्वितीय पृष्ठि में चार प्रकार बंध द्रव्य और तीन प्रकार घात द्रव्य देने का पूर्ववत विधान जानना, यहाँ उनकी रचना ऐसी। ये हम देख चुके थे, उसकी संदृष्टि बनाई। देखो ये संदृष्टि कैसे पढ़ना कि यहाँ हम ऊपर और नीचे बताए, वहाँ आगे लाइन में बताना। ये जगन्य की बात नीचे की पृष्ठ हम लेफ्ट साइड को बताएंगे और ऊपर की राइट साइड में बताएंगे। तो सबसे नीचे लेफ्ट साइड में अपूर्व अधस्तन पृष्ठ। अपूर्व अधस्तन यानी ये दूसरे समय में तीसरे समय में जो नई नई बनती उसको अपूर्व कहेंगे, और अधस्तन यानी नीचे की, अधस्तन का अर्थ है नीचे। तो ये जो सबसे नीचे बनी है अपूर्व अधस्तन पृष्ठ, वो कितनी देखिए, चार अपॉन का दो बार असंख्या से भाग दिया, उसकी वैल्यू, उसकी संख्या यहाँ लिखी, वैल्यू नहीं संख्या, इतनी नंबर ऑफ पुष्टि बनी। देखो ये तो समपट्टी का रूप दिखा, ये स्क्वायर रूप जो लिख रहा है जिसके अंदर नंबर डाला है वो तो समपट्टी का है, उसके नीचे जो पैरेलल लाइन है वो सब जगह मध्यम खंड दिया है, और उसके आगे जो चय घटते क्रम से उभय द्रव्य विशेष। अब उसके ऊपर चलो राइट साइड में पूर्व अपूर्व सूक्ष्म पृष्ठ, यानी पूर्व सूक्ष्म पृष्ठ तो है ही, इन बिटवीन अपूर्व पृष्ठि बनी, ये जो लाल हमने बताया ये पूर्व अपूर्व मिलकर, इसलिए वहाँ पूर्व अपूर्व दोनों शब्द डाले, यानी बीच बीच में जो ये चार वर्टिकल लाइन बताई है वो अपूर्व पृष्ठि की। अच्छा, फिर आगे चलना उसके ऊपर लोक भी तृतीय संग्रह पृष्ठि, उसमें भी वो पूर्व पृष्ठि थी, तृतीय संग्रह में जो बीच बीच में लाइन बताई है वो संक्रमण द्रव्य से बनी हुई नवीन पृष्ठ, वहां का उभय द्रव्य विशेष वगैरह वो अलग था और नीचे पृष्ठी बनी उसका द्रव्य अलग था, इसलिए उसके जो उभय द्रव्य का जो पूरी गोपुच्छा एक नहीं बनी है अभी टाइम है वो, हाँ नीचे की गोपुच्छा बन रही, नवीन नवीन पृष्ठी हो रही है, ये तृतीय संग्रह। फिर द्वितीय संग्रह में नीचे और एक स्क्वायर भी बताया है, बीच में तो है ही पृष्ठि, वो तो घात द्रव्य से बनी, और वो साइड में जो बताया है बंध द्रव्य से भी बनी। अब यहाँ उसको हम पढ़ेंगे 635 पृष्ठ पर। यहाँ पहले द्वितीय समय में नवीन की हुई नीचे की पृष्ठियों की रचना की है, वो पहले ने कहा वो इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया बाई तरफ, जो अभी हमने पढ़ा है उसके ऊपर प्रथम समय में की हुई पृष्ठियों की रचना की है, जिसका नाम यह पूर्व अपूर्व सूक्ष्म पृष्ठि, उसमें से पूर्व पृष्ठि पहले समय में बनी थी और बीच बीच वाली अपूर्व पृष्ठि दूसरे समय में बनी, वहाँ समपट्टी का सबसे ऊपर की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो समपट्टी का पूर्व विशेष। देखो ये तो हमने वर्टिकल में देखा था, वहाँ सारी चीजें हॉरिजॉन्टल में बता रहे हैं, आगे सबसे नीचे यहाँ अधस्तन पृष्ठ, इसमें पहले यहाँ समपट्टी का रूप पूर्व पृष्ठ, और वो कैसे चय घटते क्रम से, ये पूर्व पृष्ठ ऐसे बनी थी इसलिए उसको ऐसे तिरछी लाइन बताई। तो समपट्टिका पूर्व विशेष अधस्तन पृष्ठियों की रचना की है
और बीच बीच में नवीन हुई पुष्टियों की भी लकीरों की समृष्टि की। ये बीच बीच में जो बनी है वो नवीन जो बनेगी उसको बताया, क्योंकि उन पुष्टियों में भी सारा ऊंचाई वगैरह सब दिया जाता है, इसलिए वो नीचे तक वो लाइन बताया। उन दोनों रचनाओं के मध्यम खंड और उभय द्रव्य विशेष की समरूप और क्रमहीन रूप सेनानी की, मध्यम खंड की समरूप ये दोनों में मिलते हैं। ये तो अदर्शन पुष्टि का द्रव्य यहाँ, अदर्शन शिष्य विशेष का द्रव्य यहाँ दिया, ये दोनों में मध्यम खंड समान रूप से दिया और उभय द्रव्य विशेष चय गत्य क्रम से। उसके ऊपर तृतीय द्वितीय संग्रह पुष्टि की रचना की है। ये जो बीच में टेबल में अभी हमने देखा था उसको पुस्तक में जो टेबल में ऊपर है उसके राइट साइड, उसका विधान प्रथम समयबद्ध जानना, ऐसे ही आड़ी रचना यहाँ की है। तो पहले समय में हमने देखा था क्या क्या होता, द्वितीय में से तो घात पुष्टि होती है वहां से, और तृतीय पुष्टि में द्वितीय में से माल तृतीय में आता है जो संक्रमण द्रव्य कहने में आता है, और संक्रमण द्रव्य द्वारा वहाँ अपूर्व पुष्टि न पुष्टि। अब आगे बढ़ेंगे। इसी तरह सूक्ष्म पुष्टि कारक, कारक की बात है, गुणस्थान कौन सा चल रहा है याद है ना, नौवा चल रहा है, और लोक के द्वितीय संग्रह पुष्टि का उदय चल रहा है, ये अभी लोक का अंतिम भाव है उदय वाला। तृतीय संग्रह पुष्टि का उदय नहीं होता, द्वितीय में से सूक्ष्म पुष्टि बनती है और तृतीय में से भी सूक्ष्म पुष्टि बनती है, द्वितीय संग्रह पुष्टि के बाद डायरेक्ट उदय होगा सूक्ष्म लोभ का जो दसवां गुणस्थान होता है, यानी अभी हम नौवे के अंत तक पहुंचे। ये कहेंगे सूक्ष्म पुष्टि कारक। इसी तरह सूक्ष्म पुष्टि कारक के तृतीय आदि समय से जो पहली पुष्टि है तब पूर्व पुष्टि कहलाएगी, तीसरे समय में नवीन होगी वो उसके भी असंख्यात विभाग प्रमाण नीचे और उससे असंख्य उतनी संख्या कम होगी और द्रव्य उसमें असंख्यात गुना आएगा, और पहली पुष्टियों में भी साइड से वो और द्रव्य दिया जाएगा, ऐसे वो पूछा होती चली जाएगी। तृतीय आदि समय से कब तक, अनिवृत्तिकरण के अंत समय तक विधान की रचना यथासंभव जाए, मेरे सारा जो द्वितीय तृतीय संग्रह पुष्टि रूप सा द्रव्य था वो सारा का सारा सूक्ष्म पुष्टि रूप को जानवा, एक्सेप्ट अंत में जो नया बंधा है ना, क्योंकि जब तक लोभ का उदय है तब तक लोभ का बंध है नौवे में, सूक्ष्म लोभ का उदय होने पर नया बंध रुक जाता है, परंतु लास्ट में जो बंधा है वो बादर पुष्टि रूप से बंधा है, उसकी सूक्ष्म पुष्टि बाद में बनती, जैसे हमने पुरुष वेद में देखा था, पूर्व में देखा था, जिसको नवक समय प्रबंध कहेंगे उसके सूक्ष्म पुष्टि करने का कार्य बाद में होगा, एक आवली के पश्चात होगा, और उसकी उच्चिष्टावली भी शेष रहेगी जो अपने रूप से उदय में नहीं आएगी, एक एक समय सूक्ष्म पुष्टि रूप से होकर उदय में आएगा। यहाँ वो टेक्स्ट में हमने पढ़ा था आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बताया। उसके अनंतर सूक्ष्म सांप्राय होता है, सांप्राय का अर्थ मालूम है, सूक्ष्म कषाय नहीं आया, लोभ ही वो सूक्ष्म होता है, उसका उदय होता है। वहाँ प्रथम समय में मोहनीय का सत्व द्रव्य, अब मोहनीय में क्या क्या बचा है, सूक्ष्म लोभ ही बताया, बाकी अभी बाकी कुछ नहीं बचा। जब हम उपशम श्रेणी की बात कर रहे हैं वहाँ भी सूक्ष्म लोभ हुआ था, परंतु वहां तो मेजोरिटी द्रव्य तो उपशमित हुआ था और सूक्ष्म पुष्टि रूप से थोड़ा सा ही हुआ, और वहां तो वादर पुष्टि अपूर्व स्पर्धक कुछ बने ही नहीं, डायरेक्ट पूर्व स्पर्धक रूप से उपशमने का कार्य हुआ था, और जब लोभ की बारी आई थी तब सूक्ष्म पुष्टि बनी। यहाँ वो पूरा पूर्व स्पर्धक से अपूर्व स्पर्धक बने, फिर उसमें वादर पुष्टि बनी, हरेक की अपनी अपनी 12 टोटल हो गई, और फिर ये सूक्ष्म पुष्टि लोभ की बनी। यहाँ पर आते तो मोहनीय का द्रव्य ने क्रोध से मान, मान से माया, माया से लोभ, और लोभ का भी सूक्ष्म लोभ, यानी लगभग पूरा द्रव्य। लगभग क्यों कहते, इतना तो निर्जरा हुई ना, फिर भी कहते वो कुछ नहीं उसके सामने।
तो थोड़ा सा ही कम हुआ, संख्या तो अब कम हुआ। तो कहते महा प्रथम समय में मोहनीय का सत्व द्रव्य ऐसा पूरा ऐसा असंख्या, यानी समय प्रबद्ध उत्कृष्ट लिया, उसको डेढ़ गुना नी से गुना किया, उसको सात से भाग दिया। कल आपने पूछा था ना सात से भाग दिया क्यों दे दिया, तो यहाँ दे दिया होगा। यहाँ उत्कृष्ट समय प्रबद्ध को डेढ़ गुनाहानी से गुना करने पर सर्व सत्व द्रव्य होता है। देखो कहीं पर भी देखो सत्ता में कितना द्रव्य पड़ा है, तो समय प्रबद्ध को डेढ़ गुनाहानी से गुना करो इतना द्रव्य पड़ा। अभी ये कहाँ तक तो पहुँचे, अभी दसवें में पहुँच गए, अभी तो ऊपर कितनी निर्जरा हो चुकी है, फिर भी वो कहते हैं वो कुछ नहीं है सत्व द्रव्य के सामने, तो लगभग पूरा सत्व द्रव्य लिया है। लेकिन अनुभाष तो एकदम खलास हो गया। हाँ अनुभव बहुत, ये तो नंबर ऑफ परमाणु है इतने, परंतु अनुभव तो नहीं के बराबर, और वो भी सारा ही सूक्ष्म लोक रूप से हो गया है पूरा मोह का द्रव्य। यहाँ उत्कृष्ट समय प्रबद्ध को, उत्कृष्ट समय प्रबद्ध लिया इसलिए स असंख्य डेढ़ गुनाहानि से गुना करने पर, आठ को डेढ़ गुना किया तो बारह हुआ, सर्व सत्व द्रव्य होता है, उसको सात का भाग देने पर मोह का सत्व द्रव्य जा। आयु को छोड़कर बात करते हैं हमेशा, इसलिए सात से भाग देते हैं। आयु का सत्व है कि चला गया चौदह के अंत तक रहेगा, इसको अपकर्षण भागार का भाग देकर, यानी जो सत्ता में द्रव्य पड़ा है सूक्ष्म पृष्टि का, अभी तक किसका उदय चल रहा था, बादल द्वितीय संग्रह पृष्टि का उदय था, उसका घटते 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 उच्चिष्ट आवली प्रमाण निषेक बाकी है आवली प्रमाण। अब क्या होगा, अंतर है बीच में और द्वितीय स्थिति में सारा सूक्ष्म पृष्टि रूप से होकर पड़ा है, अब सूक्ष्म पृष्टि का द्रव्य अंतर को लांग कर नीचे आएगा और प्रथम स्थिति बनेगा, तो उसको कितना द्रव्य अपकर्षित होता है, तो अपकर्षण भागार से भाग देकर जितना होता है उतना, वो कहाँ कहाँ दिया जाता है, नीचे प्रथम स्थिति में और द्वितीय स्थिति में भी, और कहाँ दिया जाता है उसकी बात आएगी। देखो इसको अपकर्षण भागार का भाग देकर अपकृष्ट द्रव्य ऐसा स असंख्यात बारह डिवाइडेड बाय सात सत्व द्रव्य था वो, यानी अपकर्षण भागार से भाग दिया इतना द्रव्य अपकर्षित हुआ, इसको पल्ले के असंख्यात भाग का भाग देने पर एक भाग ऐसा, आगे उसी के भागार में पल्ले का असंख्यात भाग लिख चुके, उसको सूक्ष्म सांप्राय के काल से कुछ अधिक जो अवस्थित गुण श्रेणी आया, अवस्थित यानी जितनी की उतनी रहेगी, एक एक समय गल जाएगा नीचे से, एक एक निषेक उदय रूप होकर निकल जाएगा, और ऊपर जो निषेक है उसमें से एक निषेक गुण श्रेणी रूप से, यानी उसमें गुणित प्रमाण में द्रव्य दिया जाएगा, वो गुण श्रेणी में इंक्लूड होगा, गुण श्रेणी में जितना द्रव्य दिया जाता है उसमें से उसको मिलेगा उस निषेक, पहले उसको हम ऊपर का कहते हैं, अब वो गुण श्रेणी का हो जाएगा, तो ये ऐसे ही चलेगा, गुण श्रेणी उतनी की उतनी रहेगी, इसको कहेंगे अवस्थित गुण श्रेणी, उसमें गुणकार क्रम से देना, जैसे हम हमेशा देते हैं एक चार सोलह चौसठ, ये गुणकार क्रम से देना। वहां अंक संदृष्टि की अपेक्षा उसको पचासी का भाग देकर एक से गुणा करने पर प्रथम निषेक, ये तो हम मालूम है ना हमेशा हम देखते आए, और चौसठ से गुणा करने पर अंत निषेक में दिया दे, डायरेक्ट बता दे पहला और अंतिम निषेक बता दे, ये तो एक भाग कहाँ दिया गुण श्रेणी। बहुभाग, बहुभाग के लिए क्या करेंगे देखो, जरा देख लेते फिर, नहीं तो हम मुख से बोलते जाएंगे। पूरा सत्व द्रव्य मोहनी का स संख्या गुना डेढ़ गुना डेढ़ गुनहानी गुना और डिवाइडेड बाय सात, उसको हमने क्या किया अपकर्षण भागार से, इतना तो द्रव्य अपकर्षित हुआ, पल्ले के असंख्यात भाग से भाग देकर एक भाग गुना श्रेणी में, फिर उसको डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाइड बाय 1 करेंगे तो पहला निषेक में, और फिर वहाँ चौसठ से गुणा करेंगे तो अंत निषेक, ये तो हमेशा हमने, ये तो एक भाग हुआ। बहुभाग के लिए क्या करते हैं
एक कम पहले के असंख्यात विभाग से गुणा करेंगे। ये बहुभाग गुण श्रेणी के ऊपर दिया जाएगा। देखो अभी इसको पढ़ेंगे। यहाँ गुणकार में एक हीन को न गिन कर, अभी एक हीन है और एक पूरा पल्ले का संख्या का भाग, तो कहते उसको निग्लेक्ट करो और उसको दोनों को उड़ा दो, यानी वही लगभग पूरा वो असंख्या का भाग नीचे गया है उसको न गिनो तो लगभग पूरा है। हम तो कैलकुलेशन के लिए पूरा ले रहे हैं, परंतु है वो बहुभाग, तो उसका अपवर्तन करके ऐसा, ये तो आगे की संख्या उन्होंने मिटा ली, तो ये अपवर्तन होकर ऐसा हुआ। यहाँ तक बात ख्याल में आई? अंतरायाम का प्रमाण संख्यात गुणा अंतर्मूर्त मात्र ऐसा। देखो अभी ये पढ़ने के पहले हम ये देखेंगे, अभी तक अंतर चल रहा है, प्रथम स्थिति बनी तो अंतर को लांग कर हमने कहा यहाँ प्रथम स्थिति बनी, ऐसे अभी तक होता आया था, क्रोध की मान की माया की इस तरह से ही प्रथम स्थिति बनती आई थी। अब यहाँ पर अंतर को पूरा दिया जाए, पूरा कर दिया जाए। अभी एक भाग प्रमाण तो नीचे दिए गुण श्रेणी में, अब अंतर में भी दिया जाएगा और द्वितीय स्थिति में भी दिया जाएगा, केवल ऊपर की वो अति स्थापना वाली में नहीं देते, उसको छोड़ देंगे। बाकी ये जो अपकर्षित द्वितीय स्थिति में से अपकर्षित हुआ है उसी में से गुण श्रेणी में गुणकार रूप से, अंतरायाम में चय घटते रूप से, और फिर द्वितीय स्थिति में भी चय घटते रूप से। अब यहाँ पुस्तक में तो ये बात यहाँ क्लियर नहीं है, मैं आपको चार्ट में से बताना चाहती हूँ। और ये भी अभी अभी शिविर लिया ना, तो उसमें बहुत अभ्यास किया, तो ये बात विशेष क्लियर हुई थी, इसलिए इसका चार्ट बनाया। 19 नंबर का ही चार्ट है सबके पास, उनके बाजू में देखना है, वो थोड़ा ये देखना है। देखो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर स्थिति कांटक घात भी हो रहे हैं। प्रति समय अनुभव का घटना हो रहा है, कांडघात तो रुक गए थे, अंतर के पश्चात ही रुक गए। प्रति समय अनुभव का घटना जिसको हम अनुसमयापवर्तन कहते हैं। तो देखो अभी यहाँ का सूक्ष्म सांप्राय शुरू होने पर जो प्रथम कांडक होगा किसका, अभी स्थिति का, तो प्रथम कांडक के पहले समय, पहले कांडक के पहले समय यहाँ से ये अंतर में द्रव्य देना शुरू हुआ। अभी ये पिक्चर देखो, नीचे तो गुण श्रेणी बताई है, मैं बोर्ड पर भी बताऊंगी यहाँ क्या है। एक भाग तो कुछ नहीं था तो उसकी गुण श्रेणी बनी, क्योंकि सूक्ष्म पुष्टि का तो द्रव्य तो द्वितीय स्थिति में था, वो यहाँ नीचे आया एक भाग से गुण श्रेणी बनी। अब इसके ऊपर तो इतना तो अंतर था और यहाँ तो द्वितीय स्थिति थी ऑलरेडी, ऐसे द्वितीय स्थिति ऊपर तो बेटे अंतर में भी दिया, परंतु अंतर में शुरू में तो इस तरह से दिया जाएगा, छह घर के क्रम से दिया जाएगा। पहले कांडक के पहले समय ये अंतर को अंतर में दिया है द्रव्य, और द्वितीय स्थिति ऑलरेडी ऐसी थी ये ऊपर तक, उसमें भी द्रव्य दिया जाए, उसमें भी चय घटते क्रम से दिया जाएगा, इसको साइड से ऊपर अति स्थापना वाली को छोड़ दो, यानी गुण श्रेणी बनी, अंतर पूर दिया गया, अंतर पूरा दिया, परंतु अभी पहले समय में तो इतना दिया, दूसरे समय में और यहाँ दिया जाएगा, और फिर बाद में ऐसी रचना हो जाएगी, क्योंकि तो अवश्य गुण श्रेणी है, इसमें भी द्रव्य दिया जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट ऐसा होगा। जब पहले कांडक का अंत समय आएगा, अभी राइट साइड में देखो प्रथम कांडक का अंत समय, खलास होता जाएगा, वही तो ये जो अंतर में किस तरह से था और ये द्वितीय स्थिति ऐसी थी,
तो ये द्वितीय स्थिति के लेवल का ऐसा किया जाएगा, पहले एक फाली, दूसरी फाली, तीसरी फाली, गुण श्रेणी में भी दिया जाएगा, अंतर में भी दिया जाएगा, इस तरह से दिया जाएगा कि वो अंतर गैप पूरा बढ़ते 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 द्वितीय स्थिति और एक गोपुच्छा हो जाएगा, एक गुण श्रेणी और ऊपर एक गोपुच्छा, ये फाइनल रिजल्ट होगा। पर पहले समय से ऐसा नहीं होगा, तो इसने इसका चार्ट बना के वो बताने की कोशिश की है। अब यहाँ हम पढ़ेंगे, अब यहाँ क्या कहना चाहते हैं, इसको उन्होंने संदृष्टि बनाई है कि अंतरायाम कितना है, तो चार अंतर्मूल बताए उन्होंने, अंतर्मूल गुना चार। अभी इसके ऊपर क्या क्या है उसको हम देखेंगे। एक तो अंतरायाम है जो अंतर्मूल गुना चार है, ऊपर की पूरी स्थिति कितनी है तो उसमें दो भाग की है, एक तो कांडक जितना होगा उतना, कांडक कितना है अंतर्मूल, इसको भी चार गुना चार यानी 16, और कांडक के नीचे अंतर्मूल इंटू 64, चार गुना चार गुना चार, ये अभी ख्याल में रखना, ये चार है वो कांडक 16 है और बीच में 64। आगे की बात इसको समझेंगे तो आगे जो लिखा है वो समझ में आएगा। और गुण श्रेणी का प्रमाण कितना है, गुण श्रेणी का तो उसका अंतर्मूल अपना, उसको अंतर्मूल कहेंगे ये डायरेक्ट उसका। गुण श्रेणी के बाद तो अब हमने बता दी, अब यहाँ जो द्रव्य नीचे आता है दो प्रकार से आता है, एक तो कांडक की एक फाली, दो फाली, तीन फाली, अंतिम फाली में मैक्सिमम द्रव्य, यहाँ तो फाली निकलती ही निकलती है, ये पूरे में से द्रव्य अपकर्षित होगा और वो पूरा अपकर्षित द्रव्य प्लस फाली का द्रव्य यहाँ पर भी दिया जाएगा और यहाँ पर भी दिया जाएगा, ऊपर भी दिया जाएगा। अंतिम फाली जब फिरेगी, जब तक फाली का द्रव्य बहुत छोटा है और यहाँ से अपकर्षित द्रव्य होने वाला द्रव्य बहुत बड़ा है, पहली कांडक की पहली फाली, दूसरी फाली, तीसरी फाली जब निकलती है तो फाली का द्रव्य कम है और ये वाला द्रव्य बहुत ज़्यादा है अपकर्षित होने वाला है। जब अंतिम फाली खिलेगी तो वो अंतिम फाली का द्रव्य मेजॉरिटी में चला जाएगा और ये उसमें थोड़ा कुछ अधिक हो जाएगा। ये तो समझने के लिए, यहाँ उसकी कुछ बात नहीं लिखी है, अब हम यहाँ पढ़ेंगे। हम 635 में पढ़कर यहाँ आते हैं, अंतरायाम का प्रमाण संख्या गुणा अंतर्मूल, तो हमने चार गुणा अंतर्मूल किया, सबको अंतर्मूर्ति ही कहेंगे। 636 पृष्ठ, उससे संख्यात गुणा यानी उससे चार गुणा, चार से चार गुणा यानी 16, स्थिति कांडक आयाम ऐसा, स्थिति कांडक यानी अभी जो स्थिति पड़ी है अंतर्मूर्ति, अभी स्थिति बाकी है, दसवें गुण स्थान में आया है तो मोनी की स्थिति कितनी है तो अंतर्मूर्त पड़ेगी, उसमें से ऊपर का एक अंतर्मूर्त कितना कांडक ग्रहण होगा, इसमें से एक फाली, दो फाली, तीन फाली, एक अंतर्मूर्त में इसका नाश हो जाएगी, ये सारे नीचे आकर मिल जाएंगे, स्थिति कांडक घात चल रहे हैं ना। अभी यहाँ पृष्ठ की बात मत सोचो, एक पृष्ठ के लिए हम ऊपर नीचे देखते थे वो बात यहाँ नहीं है, यहाँ स्थिति की अपेक्षा ऊपर नीचे देखते तो उसकी स्थिति इतनी घट हो जाएगी, तो इसके परमाणु नीचे सर्वत्र आकर मिलेंगे। अब ये तो प्रमाण यहाँ बताए, ये हमने देखा अंतर का प्रमाण चार गुना अंतर्मूल, कांडक का प्रमाण 16 गुना अंतर्मूल यानी उससे चार गुना, और संख्यात गुणी, उससे संख्यात गुणी, कांडक के नीचे अवशेष रही स्थिति, ये कांडक के नीचे अवशेष रही स्थिति चार गुना चार गुना चार यानी कितने होते हैं 64। यहाँ गुणकारों को परस्पर गुणा करके कांडक आयाम ऐसा, ये चार गुणा चार लिखा है तो उसको 16 गुणा अंतर्मूल गुणा 16 करेंगे और अवशेष स्थिति 64 अंतर्मूल यानी अंतर्मूल गुणा 64, ये तो ख्याल में आई ना भाई, ये गुणकारों को गुणा कर यानी ये चार गुणा चार गुणा चार के बदले हम 64 लिखेंगे,
और चार गुना चार के बदले 16 लिख रहे हैं। यहाँ पर सेकंड लाइन में अपने उससे संख्या गुणी कांडक के नीचे की औचित्य स्थिति, ये कांडक जो लिखा है, कांडक में 16 का अंतर्मुख, वो कांडक जो लिखा वो स्थिति कांडक ही है ना। यहाँ अभी स्थिति कांडक अनुभव कांडक होते ही नहीं है। वो आपने सिर्फ कांडक लिखा है। हाँ, कांडक ही लिखेंगे क्योंकि ऊपर ही लिखा है ना स्थिति कांडक आयाम, ऊपर की लाइन में स्थिति कांडक आयाम लिखा है। तो कांडक के नीचे ये कांडक है और उसके नीचे के अवशेष स्थिति 64 गुणांतर होंगे। दोनों को मिलाने पर कितना 64 और 16 80 हो जाते हैं, ये टोटल हो गए कांडक सहित। हाँ, टोटल द्वितीय स्थिति का पूरा प्रमाण ये अलग, ये चार गुणा अंतर्मुख छोड़कर इसके ऊपर 80 अंतर्मुख है। अंतर को छोड़कर अकेले द्वितीय स्थिति का प्रमाण अंतर्मुख गुणा 80 है, उसमें से 16 वाला तो कांडक होगा और उसके नीचे 64 शेष रहे, उसके आगे अंतर्मुख प्रमाण लगा। यहाँ तक चल जाए तो इनको मिलाने पर द्वितीय स्थिति का प्रमाण ऐसा अंतर्मुख गुणा 80, इसको अंतरायाम का भाग देने पर 20 आए। क्या कहना चाहता है, ये 80 है और ये 4, 80 डिवाइडेड बाय 4 20 आए, यानी इससे वो 20 गुना है उसका भाग, यानी 20 का भाग उस बहुभाग को देकर। किस बहुभाग को? पल्ले के असंख्यात भाग से भाग लेकर एक भाग गुण श्रेणी में दिया, बहुभाग यहाँ सर्वत्र दिया, उस बहुभाग को 20 का भाग देना, बहुभाग को 20 का भाग देना। चार तो अंतरायम में दिए, उनकी संतुष्टि है इसमें। ये पल्ले के असंख्यात विभाग का बहुभाग लिया हमने, एक तीन आदि की नहीं गिनकर उसको कैंसिल कर दिया था, इसलिए स असंख्यात 12 डिवाइडेड बाय 7 ओ हमारा अपकर्षण द्रव्य था, ये बहुभाग वाली बात चल रही है, उसको 20 से भाग दिया। क्यों? क्योंकि ये 80 है, ये 4 है, इससे ये 20 गुना है, इसलिए बहुभाग को 20 से भाग दिया हमने। और उसमें से चार तो अंतरायम में दी, उसकी संतुष्टि है, चार यहाँ दिए और 16 यहाँ दिए, और 16 भाग प्रमाण द्रव्य द्वितीय स्थिति में दिया, उसकी संतुष्टि है किस संख्या द्वारा? 7 तो यहाँ 20 से भाग देकर 16 से गुणा किया। यानी आप समझेंगे कि यहाँ एक भाग नहीं दिया, यहाँ ज्यादा दिया, इसमें ज्यादा दिया क्योंकि अंतर तो पूरा करना था, द्वितीय स्थिति में ऑलरेडी वहाँ तो निषेक है। देखो 20 के 4 भाग तो इसमें दिए और 20 में से 16 भाग ऊपर दिए, क्योंकि यहाँ तो 4 अंतर्मुहूर्त है और यहाँ तो अभी तो पहली दूसरी तीसरी खाली में ऊपर तक देना पड़ेगा, केवल आवली छोड़कर ऊपर तो 80 है और यहाँ तो 4 ही है, कांडक में भी जाएगा, कांडक में भी आवली प्रमाण छोड़, अंतिम खाली केवल कांडक में नहीं जाएगा, तब तक कांडक में भी द्रव्य दिया जाएगा। यहाँ यथा योग्य संख्या की सेनानी 4 का अंक करके ऐसी संतुष्टि की है, ये तो संतुष्टि बनाए, ऐसे 4 गुणा नहीं होता, ये यथा योग्य अपने अपने द्रव्य को। अब कहाँ कहाँ दिया? गुण श्रेणी में दिया, कांडक में दिया और ऊपर दिया, ऊपर पूरे 80 में दिया, वो आवली को थोड़ा है गिनकर हम पूरा 80 में दिया ऐसा कहेंगे। ते तीन जगह दिया, गुण श्रेणी में तो हमने देखा था पल्ले के असंख्यात भाग से भाग देकर, तो फिर 80 से भाग 85 से भाग दो, 1 से गुना करो या 64 से गुना करो, वो वैसा
तो अपने अपने द्रव्य को अपने अपने आयाम मात्र गच्छ का यानी वहां का अच्छा ही निकाल रहे और एक कम गच्छ के आधे से ही दो गुणाने का भाग देने पर विशेष होता है। हमेशा चय कैसे निकाला जाता है तो अपने अपने आयाम मात्र गच्छ अपने अपने द्रव्य को द्रव्य लेना पड़ेगा उसको गच्छ का भाग देना और फिर 16 माइनस एक कम गच्छ के आधे से ही भाग देना तो हमें चय मिलता है विशेष मिलता है क्योंकि यहाँ पर भी चय घटते क्रम से देंगे यहाँ का चय अलग हुआ और ऊपर भी चय घटते क्रम से देंगे क्योंकि यहाँ का चय अपना अलग है अंतरायाम का चय अलग है क्योंकि यहाँ अभी यहाँ इस तरह से दिया गया क्योंकि यहाँ का गच्छ इतना है और ऊपर का गच्छ तो 80 वाला है तो अपने अपने द्रव्य को अपने अपने गच्छ का और एक कम गच्छ के आधे को दो गुणानवे से माइनस करके उसका भाग देना है वो अपना अपना चय मिलेगा देखो उसको दो गुणानी से गुना करने पर प्रथम निषेक में दिया द्रव्य यहाँ का जो चय निकला अंतर संबंधी जो चय निकला उसको 16 से गुना करेंगे तो अंतर के पहले निषेक में दिया द्रव्य मिलेगा 16 माइनस एक से गुणा करेंगे तो दूसरा 16 माइनस दो से तो तीसरा तो 16 माइनस एक कम गच्छ करो तो अंतिम निषेक में दिया द्रव्य मिलेगा। अभी इसको हम देखो यहाँ लिखे नीचे नीचे पढ़ेगी फिर हम साइड में लेंगे। उसको दो गुणानी से गुणा करने पर प्रथम निषेक में दिया द्रव्य तथा उस गुणकार में से यानी 16 में से क्रम से एक एक घटा कर एक कम अपने गच्छ मात्र घटाने पर अंत निषेक में दिया द्रव्य होता है। यहाँ अंतरायाम का गच्छ ऐसा 4 अंतर्मुख और द्वितीय स्थिति का गच्छ ऐसा 80 अंतर्मुख। वहां द्वितीय स्थिति में अंत की अति स्थापनावली में द्रव्य नहीं दिया जाता इसलिए उस गच्छ में इतना कम है यानी कुछ कम 80 अंतर्मुख होगा तथापि उसको किंचित जानकर संदृष्टि में नहीं गिना संदृष्टि तो पूरी 80 की बनाई इनकी संदृष्टि ऐसी। देखो ये अभी जो टेबल बनाया है पूरा उसके ऊपर क्या लिखा है सूक्ष्म सांप्राय प्रथम कांडक प्रथम समय रचना प्रथम समय में अलग बात है और जब प्रथम कांडक की अंतिम फाली गिरी तो पूरा अंदर भर दिया जाएगा और वो एक गोपुच्छा बनेगी तब तक ये गिनारी कैसी होगी इसकी गोपुच्छा अलग और द्वितीय स्थिति की गोपुच्छा अलग। तो देखो नीचे गुणश्रेणी आयाम है बीच में अंतर आयाम है और उसके ऊपर द्वितीय स्थिति अलग है। अब उसी के बाद यहाँ लिखिए ये संदृष्टि ऐसी इस संदृष्टि में हम 636 पर पढ़ रहे नीचे का दूसरा पैराग्राफ नीचे गुणश्रेणी आयाम की क्रम अधिकृत ये क्रम अधिकृत गुणश्रेणी आयाम ऊपर अंतरायाम की ये अंतरायाम और उसके ऊपर द्वितीय स्थिति की क्रमहीन रूप संदृष्टि की उसके क्रमहीन अलग से बताएंगे ये और बड़ा बताएंगे निषेक और वो क्रमहीन अलग से बताएंगे जो यहाँ फिगर में ही बताए वहाँ आदि अंत निषेक में दिया द्रव्य आगे लिखा है यानी हर एक तीन भाग हमने अलग अलग किए इसको तीन पर्व भी कहते हैं एक गुणश्रेणी वाला एक अंतरायाम वाला एक द्वितीय पुरानी द्वितीय स्थिति जिसको कहते हैं उसमें दिया मध्य निषेकों की सहनानी बिंदी लिखी इसके ऊपर अति स्थापनावली की सहनानी 4 का अंक लिखा है। देखो अभी हम यहाँ पहले फिगर पढ़ेंगे फिर लास्ट अंतर पैराग्राफ पढ़ेंगे 637 पृष्ठ पर और यहाँ बात तो दिए द्रव्य की ये ओरिजिनली द्वितीय स्थिति में द्रव्य था एडिशनली कितना दिया है उसकी बात क्योंकि गुणश्रेणी में तो पूरा ही नया ही दिया है अंतरायाम में भी नया ही पूरा दिया है परंतु द्वितीय स्थिति में ऑलरेडी था उसमें एडिशनली दिया है सबसे घटाया और उसी में दिया। अब यह नीचे प्रथम निषेक देखो गुणश्रेणी का प्रथम निषेक हमने क्या किया था स संख्या
12 डिवाइडेड बाय 7 ओ को पल्ले के असंख्या के भाग से भाग दिया, एक भाग गुण श्रेणी में दिया था, उसको 85 से भाग दिया और 1 से गुणा किया, ये प्रथम निषेक में दिया। अंतिम निषेक में क्या करेंगे, उसी को 85 से भाग देकर 64 से गुणा करेंगे, तो अंतिम निषेक और बीच में बिंदी बिंदी मध्य निषेक होंगे। अब ये तो एक भाग की बात है, बहुभाग अंतर में और द्वितीय स्थिति में मिलकर दिया। अभी उसका अपना अपना द्रव्य वो निकालना, हमने देखा था कि 20 भाग में से 4 भाग तो अंतर में दिए और 16 भाग ऊपर दिए, हमने यहाँ कैलकुलेशन किया था, ये 80 को 4 से भाग दिया तो 20 आया, तो 20 भाग प्रमाण द्रव्य ऊपर बहुभाग में से 20 भाग किए वो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ, उसमें से एक भाग यहाँ दिया, सॉरी 4 भाग यहाँ दिए और 16 भाग ऊपर दिए, तो जो बहुभाग है उसको 20 से भाग देंगे और 4 से गुणा करेंगे, इतना तो द्रव्य अंतरायम में दिया। अब अंतरायम का नीचे का पहला निषेक देखो, देखो स असंख्यात 12 डिवाइडेड बाय 7 ओ और डिवाइडेड बाय 20 हुआ मल्टीप्लाइड बाय 4, इतना द्रव्य पूरे अंतरायम में दिया, तो उसमें से नीचे के निषेक में कितना दिया, तो उसके लिए हमने चय निकाला, तो चय के लिए इसी संख्या को 4 अंतर्मुख से भाग दिया और भागार में आगे 16 माइनस एक कम गच्छ के आधे से उसका भी भाग दिया, है ना, भागार में आगे लिख दिया और मल्टीप्लाई बाय 16, दो गुणाने से गुणा किया, पहले तो चय निकाला यहाँ का चय और उसको दो गुणाने से गुणा किया, तो पहले निषेक में दिया हुआ द्रव्य है अंतरायम के पहले निषेक में। अंतरायम के अंत निषेक में क्या किया, यही चय लिखा और उसमें आगे गुणकार में 16 माइनस एक कम गच्छ लिख दिया, यानी एक कम 4 अंतर्मुख, समझ में क्या डिफरेंस हुआ, ख्याल में आती बात, हाँ। अंतरायम के पहले निषेक में और अंतिम निषेक में क्या अंतर है, पहले निषेक में 16 से गुणकार, अंतिम निषेक में उस 16 से गुणकार में से माइनस एक कम गच्छ किया, यहाँ तक समझ में आई, तो अंतर में कितना द्रव्य दिया, तो ये जो 20 भाग में से 4 भाग अंतर में और 20 भाग में से 16 भाग ऊपर दिए। अब ऊपर का पहला निषेक देखो, वही स संख्या 12 डिवाइडेड बाय 7 ओ और उसको 20 से भाग दिया और ऊपर 16 से गुणा किया, जो पहला 16 है ना वो 16 से गुणा किया, इतना द्रव्य पूरे ही द्वितीय स्थिति में ऊपर दिया अंतर के ऊपर। अब उसको गच्छ से भाग दिया, इन्हें 80 अंतर्मुख से भाग दिया और फिर 16 माइनस एक कम गच्छ का आधा उससे भी भाग दिया और दो गुणानी से गुणा किया, तो पहले निषेक में दिया हुआ द्रव्य। अब ये जो 16 का गुणकार है ना, 16 के आगे 16 का गुणकार, अब ये अंतर निषेक के लिए क्या करेंगे, वो 16 के आगे जो 16 का गुणकार था उसमें से गच्छ में से एक कम करके माइनस करो, एक कम गच्छ करो, तो यहाँ का गच्छ तो 80 अंतर्मुख है, तो एक कम उसको कर दिया 16 में से, ये अंत निषेक है। ख्याल में ना, ये टेबल में क्या लिखा, ये दिए हुए द्रव्य की बात। अब यहाँ 636 पहला जो है वो खाली 16 है और दूसरा है वो दो गुना है, हाँ पहला जो 16 है तो 20 में से 16 भाग है और दूसरे में से वो 16 में से वो दो गुणाने वाली बात है। अब यही रुकेंगे हम, ये पैराग्राफ पर ये तीन लाइन यहाँ से पढ़ेंगे 636 पर, यहाँ अंतरायम में पहले द्रव्य का अभाव था, नवीन ही द्रव्य दिया इसलिए दो बड़ी लकीर बनाई, द्वितीय स्थिति में पहले द्रव्य था नवीन ही दिया इसलिए दो बड़ी लकीर बनाई, इसे कथन वैसा ही है परंतु वहाँ पैरेलल में और एक लाइन बनाई है द्वितीय स्थिति में और यहाँ सिंगल सिंगल लाइन बनाई है। द्वितीय आदि समय में भी ऐसा क्रम जानना, द्वितीय समय में भी इसी तरह से वहाँ द्रव्य दिया जाएगा, यानी अधिक भाग अंतरायम में चला जाएगा, थोड़ा भाग द्वितीय स्थिति में जाएगा, फिर फाइनली एक गोपुच्छा हो जाएगा, उसके अंत फाली के प्रथम समय कुछ विशेषता होती है वो हम कल देखेंगे। जावानी के ध्यान से सूझे लोग।
सदा देव